हैं, जिस समय जॉन इब्राहिम बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं। सो ये गेट से एंट्री मारते हैं, सो इसी जगह से हमारे जॉन इब्राहिम जी चढ़ते हैं और जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग आपको मैचअप करिएगा, देख रहे हैं एक टावर है, पीछे वाला टावर आपको स्क्रीनशॉट में देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए कमाल के वीडियो में। सो गाइस, आप सभी को आज मैं एक ऐसी लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो कि कहेंगे जो मेरे आगे पीछे देख रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, इस बिल्डिंग का नाम है ला मार्टिनियर कॉलेज, हमारे लखनऊ शहर में पड़ता है, बहुत ही फेमस कॉलेज है, अंग्रेजों के जमाने का कॉलेज है। सो इसी जगह पे एक मूवी की शूटिंग हुई है, एक मूवी की नहीं कहा जाए भाई, तीन चार मूवी की शूटिंग हुई है, लेकिन आज जो मैं मूवी दिखाने वाला हूँ उसका नाम है सत्यमेव जयते 2। और उसमें स्टार कास्ट की बात करिए तो हमारे जॉन इब्राहिम और दिव्या खोसला जी काम करी हुई है। सो आप सभी को मैं जो आज लोकेशन दिखाने लगा इस जगह को अधिकतर उस पूरी मूवी में ही दिखाया गया है भाई, मतलब जगह जगह पे आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा अगर आप लोग मूवी देखे हैं तो। सो गाइस आज मैं इस जगह को दिखाने लगा, और इस जगह को बनाया गया था हमारा संसद भवन उस वाली मूवी के हिसाब से। सो अभी आपको जो लोकेशन दिखाने वाला हूँ इस जगह पे पूरा जॉन इब्राहिम वगैरह होते हैं, और यहाँ पर जो टोप वगैरह आपको प्रॉपर ढंग से मिला लीजिएगा भाई, एग्जैक्टली यह वही लोकेशन है जहाँ पर सत्यमेव जयते 2 मूवी की शूटिंग हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैचअप कराते हैं और बताते हैं भाई कहाँ पर है, कैसे क्या सब कुछ मिला लेना आपको। सो गाइस आप सभी लोग जो सामने बिल्डिंग दिख रहे हैं, जी हाँ, इसी जगह को संसद भवन बनाया गया था सत्यमेव जयते 2 वाली मूवी में। हमारे जो जॉन इब्राहिम हैं यहीं से चलते हुए जाते हैं जस्ट ऊपर की तरफ, और सबसे पहले जब मूवी स्टार्ट होती है आप अगर देखेंगे तो इसी जगह से स्टार्ट होती है, ड्रोन शॉट लगाया गया होता है जिसमें पूरी बिल्डिंग वहां से लेकर वहां तक दिखाई पड़ती है। अभी जो मैं स्क्रीन शॉट लगा रहा हूँ जस्ट इसी जगह की है जो कि ऊपर से फिल्माया गया था ड्रोन शॉट के जरिए। सो गाइस ये वही जगह है, तो आप सब सही ढंग से मिला लीजिए। सो हमारे जो जॉन इब्राहिम सर हैं यहाँ से चलते हुए जाते हैं और जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, तो अभी जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ आप लोग मिला लीजिएगा। सो इसी जगह से हमारे जॉन इब्राहिम जी चढ़ते हैं और जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग आपको मैचअप करिएगा, जो पीछे तोप रखी है ना तोप की भी मिला लीजिए। सो इसी जगह से हमारे जॉन इब्राहिम जी चढ़ते हैं और ये वही जगह है, तो चलते हैं तीसरे शॉट पे, आपको तीसरा शॉट भी दिखाते हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग भाई बहुत ही खूबसूरत है, अंग्रेजों के ज़माने के बनी हुई बिल्डिंग है, और अभी तो यहाँ पर हमारा इंडिया का फ्लैग नहीं लगा हुआ है जब, लेकिन मूवी में इंडिया का फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ था और लहरा आ रहा था बहुत अच्छी तरीके से। सो ये वही लोकेशन है, तो चलते हैं तीसरे शॉट पे और आपको दिखाता हूँ मैं। भाई बहुत ही गर्मी है यार, पसीना पसीना हो गया, बट आपको हम दिखाते हैं और कहेंगे जैसे अभी मैं सीढ़ियों पे चलते ही जा रहा हूँ, सीढ़ियों की तरह देखें यार, मतलब कि क्या क्या लिखे हैं, अंग्रेजी के जमाने की चीजें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर डेट मेंशन है 1821 यहाँ लिखा गया 1820, और सबके यहाँ नाम लिखे हैं 1863 लिखे गए हैं। भाई बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने का कॉलेज है, और चलते हैं आपको वो लोकेशन दिखाते हैं जॉन इब्राहिम जी चलते हुए आते हैं इस जगह से, चलते जाते हैं ठीक है। और कहेंगे और अगर आप मूवी देखे होंगे तो इस जगह को हमारा संसद भवन बनाया गया था उस समय, और साथ ही साथ और अभी मैं जिस जगह जा रहा हूँ इसी जगह पे हमारे जॉन इब्राहिम सर हैं, यहाँ पर आके कहेंगे एक तरह से कहेंगे मूर्ति को देखते हैं, जो मूर्ति आप लोग देखते हैं किसान, एक किसान होता है हल लिए रहता है अपने जस्ट कंधे पे, वो मूर्ति यहाँ पर नहीं है भाई, मतलब इमेजिनरी रखी गई थी मूर्ति जस्ट अभी इसी जगह पे है। और अभी जो मैं स्क्रीन शॉट लगा रहा हूँ ये तोप आपको स्क्रीन शॉट में देखने को मिलेगी भाई, बहुत ही लंबी अच्छी खासी लंबी ये वाली तोपें हैं, तो आप इस शॉट में देख रहे होंगे यही वाली तोप है ना। और साथ ही साथ अगर आपको अभी एक सीन और दिखाऊं, इसी जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी जगह पे मूर्ति होती है, क्योंकि एक किसान होता है जस्ट अपने कंधे पे हल लिए रहता है, तो अभी इस शॉट में लगा दे मिला लेना। बट अभी यहाँ पर वो मूर्ति नहीं है, मतलब कि एक सेट था, एक दूसरी मूर्ति कहीं से लाई गई थी यहाँ लगा दी गई थी, सो अभी वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। आप इसको मिला लीजिएगा, साथ ही तोप को मिला लीजिएगा, और दूसरे एंगल में अगर मैं दूसरे एंगल से दिखाऊँ तो जस्ट यहाँ पर जॉन इब्राहिम जी खड़े रहते हैं, और जस्ट पीछे वाला देख रहे हैं एक टावर है, पीछे वाला टावर आपको स्क्रीनशॉट में देखने को मिलेगा। सो ये जस्ट वही जगह है, तो आपको आई होप पता लग गया होगा। सो देखते हैं और आपको हम दिखाते हैं। अभी दूसरे शॉट पे पहुंच चुका हूँ, इसी जगह पे जो दिव्या खोसला जी होती है, संसद भवन जो इसको बनाया गया होता है, अंदर से बाहर आती है सो मीडिया वाले उनको घेरे हुए होते हैं, तो इसी जगह पे बहुत ही मीडिया वाले को कहेंगे स्पीच दे रही होती है या बता रही होती है क्या 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 सारी चीजें, तो जस्ट आप लोग मिला लीजिए। तोप वगैरह भी पीछे दिख रही थी, और जो पीछे वाली बिल्डिंग है ना जस्ट इसको जितने भी ऊपर के स्ट्रक्चर है इसको मिला लीजिए, जस्ट इसी जगह की है। सुगैद अभी मैं जो शॉट दिखा रहा हूँ सभी को, ये ठंडी का उस समय वक्त होता है ठीक है, जब मूवी शूटिंग हुई थी। सो अभी जो मैं शॉट दिखा रहा हूँ जॉन इब्राहिम क्या होते हैं वहाँ से चलते हुए आते हैं, और ब्लैक कलर का आई थिंक पहने हुए होते हैं जैकेट वगैरह। सो ऐसा इस जगह की वो लोकेशन है, और गमले वगैरह आप मिला लें, जस्ट वही वाला पेड़ है, तोपे वही वाली है। सो ये सुबह का आई थिंक वक्त होता है, तो जॉन इब्राहिम सर यहाँ से चलते हुए आते हैं। सुगैद ये ड्रोन शॉट में पूरा दिखाया गया है, ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं बड़ा वाला, सो उस वाले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। और साथ ही साथ जो आप लोग गेट देख रहे हैं, गेट उस समय खोल दिया गया होता है बट अभी खोला नहीं है, जिस समय जॉन इब्राहिम बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं सो ये गेट से एंट्री मारते हैं, और गेट से जैसे एंट्री मारते हैं सामने का पूरा व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है, और वहां पर जाके वो स्पीच देते हैं जॉन इब्राहिम सर। सो
सुखाई देवी में दूसरी कहेंगे एक तरह लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, जो कि कहेंगे यहाँ पर वो वाला शॉर्ट फिल्माया गया है सत्यमेव जयते 2 का। और जरा देखें, थोड़े 3-4 सेकंड का शॉर्ट होता है। यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये जो फ्रंट वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका नाम है ला मार्टिनियर कॉलेज, फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है और आप लोग स्क्रीन शॉट में मिलाएंगे इसी जगह की वो वाली लोकेशन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और भी कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक का, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।